नमस्कार दोस्तों, रेमेडी अपडेट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि इसबगोल की भूसी पेट साफ करने के अलावा किस प्रकार हार्ट और डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए भी बहुत फायदेमंद है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने रेमेडी अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके, और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों इसबगोल वाटा बीज पौधे के बीज की भूसी से बनाया गया फाइबर होता है। इसे अंग्रेजी में सीलियम के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः इसे रेचक पेट साफ करने के लिए एक औषधि के रूप में जाना जाता है। वैसे शोध में यह सिद्ध हुआ है कि इसबगोल के शरीर के और भी कई हिस्से जैसे हृदय तथा अग्नाशय के लिए भी अच्छा होता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इसबगोल के लाभ के बारे में। ये पेट के लिए बहुत अच्छा है। यह पेट में जाकर पानी को सोखता है और मल त्याग की क्रिया को आसान बना देता है। इससे आपका पेट नहीं फूलता और यह कब्ज की समस्या के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसे अपने आहार में शामिल करने से पाचन क्रिया को बढ़ावा मिलता है। यह आपके हृदय को स्वस्थ रखता है। घुलनशील फाइबर होने के कारण इसबगोल आपके कोलेस्ट्रॉल स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। 50 वर्ष की आयु से अधिक के हर व्यक्ति के लिए कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित होना बहुत जरूरी है। एक अध्ययन से पता चला है कि लगातार 6 हफ्तों तक इसबगोल का सेवन करने से जो अधिक वजन के लोग हैं उन्हें कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिली है। उच्च स्तर कोलेस्ट्रॉल आपके हृदय को प्रभावित करता है। इसबगोल आपके हृदय की मांसपेशियों को मजबूत करके आपके हृदय को मजबूत बनाता है। यह वजन को भी कम करता है। आपके एक स्वस्थ वजन बनाए रखना बड़ी ही चिंता का विषय है, खासकर उनके लिए जो मधुमेह से ग्रस्त हैं। अपने हृदय तथा रक्त शर्करा के स्तर को सुधारने के लिए इसबगोल से अपने वजन को भी नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि इसबगोल आपके शरीर के तरल पदार्थ को अवशोषित करके आपको पेट भरा होने का एहसास कराता है। इसलिए आप इससे अपनी भोजन की राशि को नियंत्रित कर सकते हैं, पर इस्तेमाल से पहले एक बार अपने चिकित्सक की सलाह जरूर लें। मधुमेह से पीड़ित लोगों को हमेशा अपनी इंसुलिन तथा रक्त शर्करा का संतुलन बनाए रखना पड़ता है। कुछ शोधों में एक स्वस्थ ग्लाइसेमिक संतुलन बनाए रखने के लिए लोगों को इसबगोल का सेवन करने का सुझाव दिया गया। इसबगोल के 5 ग्राम की खुराक दिन में 2 बार लेने से टाइप 2 मधुमेह से पीड़ित रोगों को रक्त शर्करा का स्तर नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। समानता इसबगोल का सेवन भूसी या वेफर के रूप में किया जाता है। यह कैप्सूल तथा तरल के रूप में भी उपलब्ध है। यदि आप इसबगोल का सेवन कर रहे हैं तो ये ख्याल रखें कि इससे शरीर का तरल सोखने की क्षमता है, इसलिए दिन भर में खूब पानी पिए दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल रेमेडी अपडेट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब अपने दोस्त को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।